हाँ लाला, तेरी तबीयत तो ठीक है? तेरे पैर में चोट लगी तो उसका क्या हुआ? नाना पहले से तो आराम है, बस थोड़ा सा घाव रह रहा है। चल कोई नहीं, टाइम टाइम पे दवा खाते रहियो, सही हो जाएगा। वो तो बात ठीक है तेरी, पर थोड़ा समझा दिए अपने बेटों को, दोबारा घर में कदम मत रखने वरना टांगे तुड़वा दूंगा। ओ लाला मेरी भी सुन ले, वो तेरे घर में दोबारा चोरी करे ना तो उसकी टांगे तोड़ दिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है चौधरी, पर थोड़ा सा समझा दिए कमीनों को। देख अशोक, बहुत कर लिया चोरी चकारी, अब कुछ अच्छा भी काम कर ले। वैसे भी गांव में बहुत चर्चा हो रही है हमारी। चर्चा हो रही या बदनामी हो रही? अरे बातों को मार गोली, चल अब कुछ काम की तलाश में चलते हैं। चल चल। बताओ क्या काम है? काम मिलेगा? अरे यहाँ कोई काम नहीं मिलता, चले जाओ यहाँ से। भाई साहब वो चल जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ भाई कुछ काम मिलेगा। ए, चलो जाओ यहाँ से, हमारे लिए कोई काम नहीं है। ए, आ जाए यहाँ से, काम नहीं मिलेगा, मुंबई का महीने हो। हाँ भाई आज पूरे दिन कहाँ रहे, दिखाई ना दिए? काम ढूंढने गए थे। काम? तुम कब से काम करने लगे? चल छोट, ये बता काम मिला कि नहीं? हाँ पिताजी काम तो मिल गया, कल दे जाएंगे। ओ भाई साहब काम मिल जाएगा? हाँ भाई काम मिल जाएगा, पर कल से आना। ठीक है। ये तुम दोनों इधर आओ। ये लो पैसे और कल से काम पर मत आना, मैंने दूसरा लड़का रख लिया है। तुम दोनों ठीक से काम नहीं करते और दिन भर बैठे रहते हो। मेरा इतना टाइम खराब करवा दिया, पहले नहीं बता सकता तू? तू कहीं का इंजीनियर है क्या? इंजीनियर बता रहा मैं, मार इसको, मार इसे। हाँ भाई अल्लाहगंज से फोन आया था, तुम्हारे झगड़ा करके आए क्या? कैसे किया तूने अल्लाहगंज में झगड़ा? वो पिताजी बात ऐसी थी। अबे बोलना। वो पिताजी मैं ये कह रहा था। अबे बोलना। ये बताएगा ये? तू बता। तो मैं ये कह रहा था। अबे बोलना। तो पिताजी मैं ये कह रहा था। अबे बोलो ना।
ये कमीने कभी नहीं सुधरेंगे, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है, जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़ा करके आते हैं, समझ में नहीं आता। आज तो पिताजी ने गाल लाल कर दिए। हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है गालों में। आज तो दिमाग ही खराब है, चाड़ा ही फाड़ दिया। लाला, ओ लाला बाहर निकल। ए कमीने तुम फिर से आ गए, अरे लुटन आए हो मुझे। ओ लाला हम लुटन ना आए, काम की तलाश में आए हैं। ए तुम काम करोगे तो चोरी चकारी कौन करेगा। ओ लाला तू बकवास तो करे मत, कुछ काम हो तो बता, वरना हम कहीं और जाके देखें। लग रहा है कमीने सुधर गया। ए सुनो यहाँ आओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? मजाक को तेरी सारी लोगों के। चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। पहले काम तो बता दे। वहाँ चलो वहाँ। देखो काम ये है, तुम दोनों को मिलके करना है, गोबर डालना, सानी करना, चारा काट के लाना, सब दोनों तुम दोनों को करना है। सानी? हाँ हाँ सानी तो तुझे ही करनी पड़ेगी, दोनों टाइम की तुझे ही। ओ लाला ये सारे काम तू ही कर लिए, मुझे कोई दूसरा काम दे दे। तू कहीं का इंजीनियर है के? काम करना है तो कर, नहीं तो पतली गली से निकल। देख अशोक ये भी इंजीनियर बोल रहा है, इसे भी दो दूं क्या? अरे तू समझा, कितनी मुश्किल से तो काम मिला है और तू बीच में टांग अड़ा रहा है। ओ लाला हम काम करने के लिए दोनों लोग तैयार हैं। हाँ जी ठीक है, अपने काम पे लग जाओ। आजा आराम कर ले, बहुत कर लिया काम धाम। आ रहा हूँ, थोड़ा भूस रह गया है। जल्दी आजा। आ रहा हूँ। बोल क्या कह रहा था। अरे थोड़ी सी आराम कर ले। सेब ले, संतरा ले, अमरूद ले। ओए आँख खोल ले, सारे दिन सोता रहेगा, देख कबाड़ी वाला आया। अरे कबाड़ी वाले के मार कोली, मुझे नींद। चल तू सो आराम से, मैं कुछ देखता हूँ। लो लंगर से, प्लास्टिक से, अखबार की रत्ती से, सेब ले लो सेब। आइए आइए आइए, हमारी पचास गाड़ी के पास कबाड़ी वाला आया। कबाड़ी वाला आपका ध्यान किधर है? कबाड़ी वाला इधर है। ओ कबाड़ी वाले ये साइकिल कितने की लेगा?
इसके तो मैं 1000 दे सकूं, इससे ज्यादा ना। चल दे जल्दी। आपका ध्यान किधर है? कबाड़ी वाला इधर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, काम कर लिया सारा? हाँ सारा काम कर लिया। हाँ भाई, यहाँ साइकिल खड़ी थी वो कहाँ है? साइकिल खड़ी थी? हाँ, मैंने तो ना देखी। हमने तो ना देखी। ओ लाला, यहाँ है साइकिल, ये ले अपनी साइकिल। अरे चौधरी, तुम कहाँ ले गए थे इसे? हम कहाँ ले गए थे, ये तो साहब बताएंगे हम कहाँ ले गए थे। अभी पूछता हूँ, चिंता ना कर। निकल जाओ कमीना, दोबारा घर में कदम मत रख देना। ओ लाला, समझ गया कहाँ गई थी साइकिल, और चढ़ा ले सर पे, किसी दिन सारा घर बेच देंगे तेरा। मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, और पुलिस में कंप्लेंट जरूर कर दूंगा। अरे पकड़ 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 पकड़। अरे बहुत दिनों से तलाश थी तुम दोनों की, चलो थाने। हवलदार, हथकड़ीदार हो इनके, अले चलो थाने। जी सर। बहुत दिनों से तलाश थी तुम दोनों की। दीवान जी, एक बार बाजार चले, एक आध लत्ते ले आते। बड़े सेंसा हो तुम, कपड़े ले आते, ऐसे ही मान जाओ। यहाँ बहुत मच्छर होंगे, थोड़ा चादर वादे का इंतजाम करवा देते। हाँ हाँ, मेरी बारात में आए हो तुम। दीवान जी, थोड़ा आधे पोहे का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं? जेल है यार, पैसे दूंगा, ऐसे ही मान जाओ वरना लठ पेल दूंगा। बहुत समझा लिया, हम के करें। ये ले अपना आधा हिस्सा। ये तो खाली है। बरस तेरी, पैसे मेरे। किसका है ये? हवलदार का। ये ले, पकड़ अपना आधा हिस्सा। खाली है ये तो। नोट है तेरे पे, रख ले। किसका है ये? दरोगा का, जो पकड़ के लाया। आज तो बिचारी अपनी रिपोर्ट लिखते फिरेंगे। मैं अपने लंबे कैरियर में, कैरियर में, हाँ हाँ, बचपन से एक धंधा जमा लिया था। कभी चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया, आज पहली बार तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ। पकड़ा तो मैं गया हूँ तेरी वजह से। तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ मैं, तेरी वजह से पकड़ा गया। ना तू साइकिल बेचता और ना हम पकड़े जाते, आज पहली बार तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ मैं, तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ। भूखे नंगर कॉलर भी नहीं पकड़ू मैं क्या? हाँ, तेरे तो बड़े सोल लट गए ना। फालतू बोल रहा, उठा के पटक दूंगा अभी साले को यहीं। तेरा क्या होगा फिर? सोच ले, ज्यादा मत बोल, आज पहली बार तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ मैं, तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ, तेरी वजह से पकड़ा गया, तेरी वजह से पकड़ा गया। हाँ तो बताओ भाई, क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, जो आपने लड़के पकड़ रखे हैं, उनकी मैं जमानत कराने आया हूँ। जमानत के पेपर कहाँ है? ये लो इंस्पेक्टर साहब।
अच्छा तो वो आपके लड़के हैं? जी जी। इतने कमीने हैं, इतने कमीने हैं कि कुछ कहो ही नहीं। यहाँ पर साइन करो। यहाँ पर करो। यहाँ पर करो। ठीक है हवलदार, उन दोनों को छोड़ दो। हाँ भाई, कहाँ था तू? कहीं ना यही था। मैंने सुना तू चोरी करके आया। मैं क्यों चोरी करता? निकल जा कमीने, दोबारा मत आइए। निकल जा कमीने, दोबारा मत आइए, काट के फेंक दूंगा। अबे इतना उदास क्यों है, क्या हो गया? यार पिताजी ने घर से निकाल दिया। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, हमारे घर पे रहिए। चल कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आज तो मजा आ गया खाने में। अरे सारी तू ही खा लेगा तो मैं क्या खाऊंगा, आराम आराम खा ले। चल इनमें से आधे आधे कर ले। अबे साले इसमें तो सारे कपड़े भर रखे हैं। चल छोड़, चल छोड़ यार, अब कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। चल लाला के घर में चलते हैं। चल चौधरी, चौधरी बाल कर अपने छोरे को। चौधरी समझा ले अपने बेटे को, वरना ठीक ना होने का। क्या हुआ लाला जी, क्यों सवेरे सवेरे भाषण देने लग रहा? ये गांव की बात है, वरना ठीक ना होने का। क्या कर दिया उसने? मैंने तो दो तीन दिन से देखा नहीं। दिख गया पूछ रहा? अरे पूरा घर लूट लिया उन्होंने, और तू कह रहा दिखाना। लाला तू अपने घर को जा, मैं देखूंगा उसे। सब बालक अपने घर में रह रहे, ये कमीना पता नहीं क्या करके रहेगा। इसने तो दिमाग खराब कर दिया। आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। बड़ा कुछ नहीं, चल इनमें से आधे आधे कर ले। दे रहा हूँ रुक। 14, 15, 16, 17, 18। हाँ भाई तेरे पास पूरे पैसे हैं? हाँ पूरे हैं। चल रख ले, कहीं गिरे मत दिए। ठीक है। अरे बोल दे, पिताजी आ गए। रुक जाओ कमीनो, दोबारा घर मत आ जाइयो, काट के फेंक दूंगा। Mmm.
मैं सुवाऊंगा इसे, पड़ा सोवे यहाँ गधे का बच्चा। कमीनों में जा रहा हूँ खेत पे, फावड़ा लेके आइयो, घूर रहा है आज यो। अरे वो देख अमरूद वाला। अरे मेरे पे ना पैसे भेजे। अरे तू चिंता क्यों करा, ये फावड़ा है ना, इस साले को बेच देते हैं। हाँ चल 100-200 रुपए का तो हो जाएगा। ओ भाई अमरूद वाले रुक जाइए। हाँ भाई कुछ खाने पीने का ले रहा है कि नहीं? हाँ खाने को सेब है अमरूद है। चले फावड़ा कितने का लेगा? ये फावड़ा मैं तो इसके 100 रुपए दे सकूं। 100 रुपए? पता है मेरा पिताजी कितने का लाया? पुराना हो रहा है। तुझे ज्यादा पता है, तूने बनाया इसे। चल मैं इसके 150 दे सकूं। चल ओ भाई इसके पैसे तो दे दे। इतना बड़ा फावड़ा दे दिया, तू गांव को लूट रहा है, चला जा। ओए ज्यादा महंगा बिक जाए तो आधे पैसे दे दे, वरना गांव में बेच नहीं दूंगा। अच्छी दादागिरी है, अमरूद भी ले लिया और पैसे भी ना दिए। हाँ भाई इसमें से आधे आधे कर ले। और जो जेब में भर रखे हो? वो तो मेरी मेहनत के हैं। अच्छा हमें सिकारिया है। देख आधे आधे कर ले, बना पिताजी को बोल दियो तूने फावड़ा बेचा। अच्छा मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, बहुत बोल रहा ज्यादा। अरे कमीनो क्यों लड़ रहे हो? ये मुझे अमरूद नहीं दे रहा। अमरूद? अमरूद इतने सुबह सुबह कहाँ से आ गए? वो पिताजी। हाँ भाई फावड़ा लाते वो कहाँ है? ये कमीने कभी नहीं सुधरेंगे। इन्होंने तो नाक में दम कर रखा, ये ना सुधरेंगे भाई। वो देख क्या माल जा रहा है। माल कह रहा अपनी भाभी को। भाभी अकेले अकेले चक्कर चला रहा है। चल चल के देखता हूँ। हाँ चल। अरे बोधी पिताजी भाग ले।
देख ऐसे कुछ नहीं काम चलने वाला, जब हम काम कर ही रहे हैं तो कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। चल लाला के घर में चलते हैं। हाँ चल। चौधरी चौधरी बाहर निकाल अपने बेटे को, आज इसके गोली मार देंगे। क्या हो गया लाला, क्यों सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रहा? दिमाग क्या कह रहा, बाहर निकाल आज इसको, गोली मार देंगे। ओ लाला ऐसे कह रहा जैसे बंदूक साथ लाया हो। तू ये बता चोरी करके आया के? नहीं तो ये लाला झूठ बोल रहा है। समझा ले इसे, ये गाँव की बात है, वरना गोली गोली मार देता। तू अपने घर को जा, इसे तो मैं देखूंगा। चल आज इस लाला को ही देख लेते हैं। लाला को देखा नहीं के? अबे मैं लाला को देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीटने की बात कर रहा हूँ। ओ तो ये बात है, ये बड़ी शिकायत करता है हमारे घर। चल इस लाले को चल के देखता हूँ। चल ओ देख लाला तो यहीं आ रहा है, आज इसका कलेजी काट दूं। अरे चौधरी बचाइए, अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे अरे बचाइए। अरे किधर जा रहा है? घर जाके कह दी ना, टांग तोड़ दूंगा, काट लूंगा प्राण। चल निकल यहां से। चौधरी बचाइए। चल जो जेब में पैसे उन्हें आधे आधे कर ले। पैसे? मेरे पे कोई ना पैसे वैसे। अच्छा तू इतना शरीफ है, चल जल्दी पैसे दे। वो पैसे दे रहा है नहीं तो सारे खोज लूंगा। चल आधे आधे कर ले पैसे। हाँ लाला तेरी तबीयत तो ठीक है, तेरे पैर में चोट लगी तो उसका क्या हुआ? नाना पहले से तो आराम है, बस थोड़ा सा घाव रह रहा है। चल कोई नहीं, टाइम टाइम पे दवा खाते रहियो, सही हो जाएगा। वो तो बात ठीक है तेरी, मैं थोड़ा समझा दिए अपने बेटों को, दोबारा घर में कदम मत रखने वरना टांगे तुड़वा दूंगा। ओ लाला मेरी भी सुन ले, वो तेरे घर में दोबारा चोरी करे ना तो उसकी टांगे तोड़ दिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है चौधरी, पर थोड़ा सा समझा दिए कमीनों को। देख अशोक बहुत कर लिया चोरी चकारी, अब कुछ अच्छा भी काम कर ले, वैसे भी गांव में बहुत चर्चा हो रही है हमारी। चर्चा हो रही या बदनामी हो रही? अरे बातों को मार गोली, चल अब कुछ काम की तलाश में चलते हैं। चल चल। बताओ क्या काम है? काम मिलेगा? अरे यहाँ कोई काम नहीं मिलता, चले जाओ यहाँ से। भाई साहब वो चल जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
हाँ भाई कुछ काम मिलेगा। ए, चलो क्या कह रहे थे, हमारे लिए कोई काम नहीं है। ए, अरे अरे काम नहीं मिलेगा, तुम भाई कमीने हो। हाँ भाई आज पूरे दिन कहाँ रहे, दिखाई ना दिए। काम ढूंढने गए थे। काम? तुम कब से काम करने लगे? चल छोट ये बता काम मिला कि नहीं। पिताजी काम तो मिल गया, कल दे जाएंगे। ओ भाई साहब काम मिल जाएगा? हाँ भाई काम मिल जाएगा, पर कल से आना। ठीक है। ये तुम दोनों इधर आओ। ये लो पैसे और कल से काम पर मत आना, मैंने दूसरा लड़का रख लिया है। तुम दोनों ठीक से काम नहीं करते और दिन भर बैठे रहते हो। मेरा इतना टाइम खराब करवा दिया, पहले नहीं बता सकता तू? तू कहीं का इंजीनियर है क्या? इंजीनियर बता रहा मैं, मार इसको, मार इसे। हाँ भाई अल्लाहगंज से फोन आया था, तुम्हारे झगड़ा करके आए क्या? कैसे किया तूने अल्लाहगंज में झगड़ा? वो पिताजी बात ऐसी थी। अबे बोलना। वो पिताजी मैं ये कह रहा था। अबे बोलना। ये बताएगा ये? तू बता। तो मैं ये कह रहा था। अबे बोलना। तो पिताजी मैं ये कह रहा था। अबे बोलो ना। ये कमीने कभी नहीं सुधरेंगे, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है, जहाँ जाते हैं वहाँ झगड़ा करके आते हैं, समझ में नहीं आता। आज तो पिताजी ने गाल लाल कर दिए। हाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है गालों में। आज तो दिमाग ही खराब है, चाड़ा ही फाड़ दिया। लाला। ओ लाला बाहर निकल। ए कमीने तुम फिर से आ गए, अरे लुटन आए हो मुझे। ओ लाला हम लुटन ना आए, काम की तलाश में आए हैं। तुम काम करोगे तो चोरी चकारी कौन करेगा? ओ लाला तू बकवास तो करे मत, कुछ काम हो तो बता, वरना हम कहीं और जाके देखें। लग रहा है कमीने सुधर गया। ये सुनो यहाँ आओ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? मजाक को तेरी सारी लोगों के। चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। पहले काम तो बता दे। वहाँ चलो वहाँ। देखो काम ये है, तुम दोनों को मिलके करना है।
गोबर डालना, सानी करना, चारा काट के लाना, सब दोनों तुम दोनों को करना है। सानी? हाँ हाँ, सानी तो तुझे ही करनी पड़ेगी दोनों टाइम की, तुझे ही। ओ लाला, ये सारे काम तू ही कर लिए, तुझे कोई दूसरा काम दे दे। तू कहीं का इंजीनियर है क्या? काम करना है तो कर, नहीं तो पतली गली से निकल। देख अशोक, ये भी इंजीनियर बोल रहा है, इसे भी दो दूं क्या? अरे तू थम जा, कितनी मुश्किल से तो काम मिला है और तू बीच में टांग अड़ा रहा है। ओ लाला, हम काम करने के लिए दोनों लोग तैयार हैं। हाँ जी ठीक है, अपने काम पे लग जाओ। आजा आराम कर ले, बहुत कर लिया काम धाम। आ रहा हूँ, थोड़ा भूस रह गया है, जल्दी आ जा। आ रहा हूँ। बोल क्या कह रहा था? अरे थोड़ी सी आराम कर ले। सेब ले, संतरा ले, अमरूद ले। ओए आँख खोल ले, सारे दिन सोता रहेगा, देख कबाड़ी वाला आया। अरे कबाड़ी वाले के मार खोली, मुझे नींद। चल तू सो आराम से, मैं कुछ देखता हूँ। लंगर से, प्लास्टिक से, अखबार की रद्दी से, सेब ले लो सेब। आइए आइए आइए, हमारी 50 गाड़ी के पास कबाड़ी वाला आया, कबाड़ी वाला। आपका ध्यान किधर है? कबाड़ी वाला इधर है। ओ कबाड़ी वाले, ये साइकिल कितने की लेगा? इसके तो मैं 1000 दे सकूं, इससे ज्यादा ना। चल दे जल्दी। आपका ध्यान किधर है? कबाड़ी वाला इधर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, काम कर लिया सारा? हाँ सारा काम कर लिया। हाँ भाई, यहाँ साइकिल खड़ी थी वो कहाँ है? साइकिल खड़ी थी? हाँ, मैंने तो ना देखी। हमने तो ना देखी। ओ लाला, यहाँ है साइकिल, ये ले अपनी साइकिल। अरे चौधरी, तुम कहाँ ले गए थे इसे? हम कहाँ ले गए थे, ये तो साहब बताएंगे हम कहाँ ले गए थे। अभी पूछता हूँ, चिंता ना कर। निकल जाओ कमीना, दोबारा घर में कदम मत रख देना। ओ लाला, समझ गया कहाँ गई थी साइकिल, और चढ़ा ले सर पे, किसी दिन सारा घर बेच देंगे तेरा। मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं, और पुलिस में कंप्लेंट जरूर कर दूंगा। अरे पकड़ 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 पकड़।
अरे बहुत दिनों से तलाश थी तुम दोनों की। चलो थाने। हवलदार हथकड़ीदार हो इनके, और ले चलो थाने। जी सर। बहुत दिनों से तलाश थी तुम दोनों की। दीवान जी एक बार बाजार चलें, एक आध लत्ते ले आते। बड़े सेंसा हो तुम, कपड़े ले आते, ऐसे ही मान जाओ। यहाँ बहुत मच्छर होंगे, थोड़ा चादर वादे का इंतजाम करवा देते। हाँ हाँ मेरी बारात में आए हो तुम। दीवान जी थोड़ा आधे पोहे का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं? जेल है यार, पैसे दूंगा, ऐसे ही मान जाओ ना, लट पेल दूंगा। बहुत समझा लिया हम के करे। ये ले अपना आधा हिस्सा। ये तो खाली है। बरस तेरी, पैसे मेरे। किसका है ये? हवलदार का। ये ले पकड़ अपना आधा हिस्सा। खाली है ये तो। नोट है तेरे पे रख ले। किसका है ये? दरोगा का, जो पकड़ के लाया। आज तो बेचारी अपनी रिपोर्ट लिखते फिरेंगे। मैं अपने लंबे कैरियर में हाँ हाँ बचपन से एक धंधा जमा लिया था। कभी चोरी करते हुए रे पकड़ा गया, आज पहली बार तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ। पकड़ा तो मैं गया हूँ तेरी वजह से। तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ। ना तू साइकिल बेचता और नाम पकड़े जाते, आज पहली बार तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ। भूखे नंगर कॉलर भी नहीं पकड़ू मैं क्या? हाँ तेरे तो बड़े सोल लटक गए ना। फालतू बोल रहा, उठा के पटक दूंगा अभी साले को यहीं। तेरा क्या होगा फिर? सोच ले, ज्यादा मत बोल। आज पहली बार तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ मैं। तेरी वजह से पकड़ा गया हूँ। हाँ तो बताओ भाई क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, जो आपने लड़के पकड़ रखे हैं, उनकी मैं जमानत कराने आया हूँ। जमानत के पेपर कहाँ हैं? ये लो इंस्पेक्टर साहब। अच्छा तो वो आपके लड़के हैं? जी जी। इतने कमीने हैं कि कुछ कहो ही। यहाँ पर साइन करो। यहाँ पर करो। ठीक है। हवलदार उन दोनों को छोड़ दो। चलो तुम्हारी जमानत हो गई है, तुम्हारे पापा आए हैं। कमीनो सुधर जाओ, जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे करोगे तो कितनी बार तुम बंद होगे। एक बार तो जैसे तैसे मैंने तुम्हारी जमानत ले ली, अगली बार से कुछ भी हो मैं कुछ नहीं समझने वाला। कुछ काम धाम कर लो, कहीं कमाओ खाओ, ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। आई समझ में? अपना अपना काम धंधा करो। पकड़ जाओगे बेटा, मैं छुड़ाने नहीं जाऊंगा। ध्यान रखियो, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने।
अरे अशोक। अरे आ जाओ भाई, और बताओ तुम्हारे क्या हाल हैं? हाल हाल तो हमारे ठीक ही हैं, तू बता। तू बहुत बिजी रहता आजकल, कुछ पार्टी सार्टी कर ले क्यों भाई? यार इतना काम है तुम तो जानते हो, अगर एक दिन काम नहीं करेगा तुम्हारा पिताजी घर से बाहर निकाल देंगे। तू बहुत काम करता, चला तेरी मदद कराएंगे। अरे यार तू रहने दे, हम अपने आप कर लेंगे काम। अरे तू अकेले ही काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मदद हम करवा ही देंगे। अरे ऐसा करो तुम दोनों तब तक उधर देख लो, तब तक मैं एडवांस के आया, फिर बैठेंगे आराम से। ठीक है। अब तो खुश हो ना, अब तो पार्टी हो गई है। भाई मेहनत करने का पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। भाई मेरा तो पेट भर गया, मुझे तो नींद आ रही है। अबे साले तुझे नींद लग रही है, या खेत में जाके हल्का होके आ, वरना पेट फट जाएगा तेरा। नींद तो मुझे आ रही है। पिताजी मुझे ये साइकिल नहीं चलानी, मुझे 2 लाख रुपए दो, बुलेट लानी है। 2 लाख रुपए दे दूं? कहीं पेड़ एड़े में लगते हैं क्या? कुछ काम धंधा कर ले और कमा ले, फिर चाहे मोटरसाइकिल क्यों ना, तू हेलीकॉप्टर ले लिए। एक बात बताऊं, माँ बाप के पैसों से ये नहीं क्या करते। पिताजी नई बात तो बोलो मत, मुझे पैसे चाहिए। अरे अब कहाँ चल दिया, बाहर में जा रहा हूँ। अरे अशोक, अरे अशोक कैसे मुंह फुला रखा? कुछ नहीं बस ऐसे ही। कुछ तो बात है, बताना क्या हुआ? बात क्या होती, हमारे पिताजी है ना, हर टाइम अपनी चलावे। अरे अशोक उसकी छोड़, उसकी तो आज तक किसी से बनी नहीं, किसी से का मुझसे ही नहीं बनी। वो तो मेरे साथ ऐसा करे जैसे मैं छोटा बालक हूँ। अरे अशोक उसकी छोड़, उसे तो अपने सिवा सब छोटे ही लगे, मैं इतना बड़ा हो लिया मुझे भी बालक तरह डांटे। चच्चा मैं तो तंग हो गया, मेरा नहीं गुजारा होने का ऐसे। गुजारा गुजारा तो करना पड़ेगा। ठीक है चच्चा, कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता तुम्हारा फार्मूला काम कर जा। हाँ ये हुई ना बात, गुस्से से काम नहीं चलता। ठीक है चच्चा। हाँ ठीक है, चल अब घर चलते हैं। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने में क्या जाता है। सही कह रहे हो चच्चा। तू कितना ही भाग ले, तुझे नहीं छोड़ू मैं, तुझे तो बिल्कुल ही ना छोड़ू। और गांव में सब ठीक ठाक तो हैं? बढ़िया है चौधरी। चौधरी साहब प्रधान जी के साइन कराने हैं लड़के के। चलो मैं देखता हूँ बात करके।
हेलो प्रधान जी। हाँ जी बोलिए। हाँ एक लड़के के साइन करवाने हैं। हाँ जी हो जाएंगे। अच्छा हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। राम राम जी। राम राम। हाँ भाई तेरा काम हो जाएगा, अब तू जा। अच्छा चौधरी साहब, राम राम, हम चलते हैं। चौधरी चौधरी। अरे क्या हुआ लाला जी? लाला जी गए तेल लेने। अरे क्या हुआ लाला जी, कैसे सवेरे सवेरे भाषण देने लग रहा? हाँ भाषण बता रहा, सारे आम तोड़ लिए उसने, बाहर निकालो उसे, आज तो मैं छोड़ने का नहीं उसे, आज तो जा रहा हूँ चौधरी, पर उसे समझा दिए आगे से ना हो जाए ऐसा, वरना ठीक नहीं होने का। पिताजी मैं वहाँ पे पहुँचा था तब तक लाला आ गए। अरे भाई अशोक, क्या बात हो गई, इतना उदास क्यों है? आज लाला के पेड़ में आम तोड़ने गया था तो लाला ने देख लिया, हमारे घर शिकायत कर दी जाके, तो पिताजी ने मुझे डांट दिया। भाई चल आज इस लाला का इलाज कर देते हैं। अरे लाला बीमार है के? चल आज इस लाला का कलेसी काट दूं। चलो चलो चल। भाई तुम चलो, मुझे कुछ काम है। ठीक है। लाला बाहर निकल, लाला बाहर निकल। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज इन हाथों से मारूंगा तुझे। अरे ये तो चौधरी का दिखे। ओ लाला बाहर निकल। अरे तुम तो बही कमीने हो अम्बाले, उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था पर आज नहीं छोड़ू। अरे आज नहीं छोड़ू। और तू ऐसा लग रहा जैसे तू हसरा। अरे तेरा मुँह ऐसा जैसे तू हसरा, तेरी आंखों का काल लूंगा मैं, और तू भुंडी सिकल के काले भसेड़। जो घर जाके कह दी ना, टांग तोड़ दूंगा, समझ गया ना? आई मार दिया, तोड़ दी हड्डी पसली। अशोक इसने तो दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं क्या मर रहा। इतना टाइम हो लिया और ये लड़का अभी तक नहीं आया, प्यास भी लग गई बहुत तेज, चल के देखूं। बता खेत में क्यों नहीं आया? मैं तो आ ही रहा था, इन्होंने रोक लिया मुझे। तू तो आज घर आ, फिर बताता हूँ तुझे। सालो बीड़ी पीने को तो मुझे बुला लो, अब जो फंस जाओ तो छोड़ के भग जाओ। अरे तेरे पिताजी से डर सा लगे इसीलिए कह दूं। सालो बीड़ी कब तक पियोगे, कुछ काम भी कर लो। पिताजी कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी दो दिन पहले तो लिए थे, अब क्या हो गया? पिताजी मेरे दोस्त कहीं घूमने जा रहे, मुझे दो तीन जोड़ी कपड़े लाने, इसीलिए पैसे चाहिए। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये डाल जिंदगी कटे ना करती है। क्यों क्या बात हो गई? बात यह होगी ना तू खेती के हाथ लगाता और ना तने नौकरी करी, क्यों खून पी रहा हमारा? पिताजी मेरे पे खेती तो होती ना, तुम्हें सारी बात पता है ना, मेरा जी लगता खेती के काम करने में। अरे नौकरी भी तो कर सके था तू, इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा हुआ? पिताजी मुझे नौकरी मिले कहाँ, इतने फार्म भर रखे हैं। अरे जरूरी ना है तुझे सरकारी नौकरी मिल जा, आधी दुनिया करे प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट नौकरी तो कर सकता था तू। पिताजी मेरे बस की ना नौकरी वोकरी करना।
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे ना तेरे फालतू खर्चे के लिए, काम धंधे तू करता ना है और शौक पाली तने नवाबों वाले। मैं जा रहा हूँ। तू कल जाता हो तो आज चला जा, ईब चला जा। जा रहा हूँ, मेरी बात मत देखियो। बाहर जा रहा हूँ मैं धीरेन्द्र के साथ। क्या करने? वहाँ जाकर बड़ा सेल्स मैनेजर बनूंगा। चुपचाप फावड़ा उठा और खेत पे चल। ना कह दो खेतों से, उनका मेरा साथ यहीं तक था, अब और नहीं। ले पकड़ और वापस लगा दिए। पिताजी 500 रुपए दियो जरा। दिवाऊं भी? यू तो अशोक मर्रा दिखे। साले कहीं काम में ना भागना पड़ जाए, मेरा तो बापू भी ना घुसन दे। अब चल देखेंगे। अरे यार ये कहां से टपक पड़े? अरे कैसे, तू तो ये कह रहा था बहुत बड़ा काम है हमारे डेयरियों का। काम तो बड़ा है, तू इन भैंसों को देख के मत समझिए। बहुत बहुत बड़ी डेयरियां हैं उधर, सारे गांव का दूध आवे। और भाई कैसे आए हो यहाँ पे और कितने दिन के लिए आए हो? भाई जब तक चार आदमी हमें कंधे पे रखकर शमशान छोड़ के नहीं आ जाते तब तक ले आए। ओ, बड़ी कामयाबी सोच के आए हो, और रहोगे कहाँ? जब तुम्हारे सोई हो जमीर जगा रहा, यही रहेंगे तेरे दोरे, यही रहेंगे तेरे छाती पे। मेरा मकान मालिक 1500 रुपए लेता है और तुम भी 1500 रुपए दे दियो, ठीक है ना? क्या ठीक है, मेरे पे कहाँ से आए पैसे? मेरा टिकट भी डिप्टी ने लिया। मैंने ना लिया टिकट, साले वो तो मैंने तेरे से झूठ बोल दिया था, आया तू विदाउट टिकट। और देख भाई अशोक, हमारे पे तो रड़ा मिला के 500-550 रुपए हैं, अब तू देख ले। पांक, पांक। हाँ एक स्कीप हो सकती है, मेरे मकान मालिक के सोने के बाद आना और उठने से पहले चले जाना, जब तुम रह सकते हो फ्री में। चलो रे। तुम लोग यहाँ से कूद जाओ, हम गेट से आते हैं। यूरा अपना रूम। हटो, गेट बंद कर दूं। रूम तो काफी बढ़िया। ला भाई दारू निकाल। क्यों, मैंने ठेका खोल रखा, जब भी देखो ला दारू ला दारू। जब तक नौकरी न लग जाती ना, कोई सी दारू नहीं पिएगा। ओए तुम यहाँ काम ढूंढने आए, दारू पीने आए हो? चुपचाप सो जाओ। पांक